नमस्कार कशिश न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। आज दीपावली का त्योहार है और इसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। त्योहार को लेकर घर आंगन की विशेष साज सज्जा की जा रही है, मंदिरों की भी आज विशेष साज सज्जा की गई है। साथ ही पर्व के इस मौके पर मंदिरों में लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही बाजारों में रौनक है, दीपावली के सामानों की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अंकिता, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अंकिता, आज देश भर में दीपावली की धूम है और इसको लेकर चाहे वो मिठाई की दुकान हो या पटाखों की दुकान और मूर्तियों की भी जमकर लोग खरीदारी करने बाजार में पहुंच रहे हैं। क्या तस्वीर वहां देखने को मिल रही है? इस वक्त हम पटाखे के और मिठाई और जो मूर्ति के दुकान है वहीं पर मौजूद है और देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी दिन के 1 बजे हैं, जैसे जैसे दिन ढलेंगे वैसे वैसे और भीड़ बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं इन लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं कि इस बार दिवाली का बहुत घटिया, सरकार पटाखा बैन किया हुआ है, पटाखा सेलिंग हो ही नहीं रहा है, पुलिस लोग यहाँ बहुत तंग कर रहे हैं। पुलिस भी तंग कर, तो प्रशासन ही ना तंग करेंगे? प्रशासन पटाखा का दुकान खोलने के लिए मनाही कर रहे हैं, हम लोग सब उतला है उसके लिए भी मनाही हो रहा है। पटाखा तो बेचना भी मना किया गया है, अब क्या बिना पटाखा का दिवाली तो मनेगा ही नहीं। अब राम जी घर पर आए तो उसके लिए तो पटाखा ही फोड़ना ही पड़ेगा ना। देखिए राम जी आएंगे तो पटाखा फोड़ना पड़ेगा, कह रहे कि राम जी आएंगे तो पटाखा तो बेचना है, फोड़ना पड़ेगा, आप लोगों का क्या कहना है? मैम थोड़ा सा उत्सव के लिए तो जरूरी है पटाखा, क्योंकि अभी पटाखा ही ऐसा है जिससे मतलब पता चलता है कि हाँ खुशी है चाहे कुछ भी है। हम तो ये कहेंगे ज्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का के लिए वो सही है। पटाखों को लेकर के भी उत्साह है सिखा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मिट्टी से जुड़ा हुआ जो त्योहार है दीपों का त्योहार, वो आप देखिए कि दीपक के दुकान पे ज्यादा भीड़ नजर आ रहा है, क्योंकि दीपावली में दीपक का दिया जलाना बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण बताया जाता है, पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है इस चीज को। ऐसे में यहाँ जो दुकानदार है हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि दीपक के दुकान पे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है, क्या बोलता है? वजह यह है कि चाइनीज जो दीपावली था वो खत्म हो गया, चाइनीज वाला अब सब मिट्टी का पर ही फोकस कर रहा है, बस इसी कारण दीपावली इसी मिट्टी पर ही दिख रहा है ज्यादातर। कितने दिन से आपने दुकान? बस धनतेरस से ही है, हो रही है अच्छी तरह हुआ है। अच्छा, आप लोग चाइनीज सामान को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर? एक्चुअली हम लोग इंडिया में है तो इंडिया को बढ़ावा चाहिए, चाइनीज को नहीं। सीखा साफ तौर पर दो बातें निकल कर सामने आई, एक पटाखों को बैन, पटाखे के बैन पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि साल भर का पर्व है और एक बार मौका मिलता है तो ऐसे में पटाखा फोड़ना बनता है। दूसरी ओर दीपक के दिए के लिए बोल रहे हैं कि चूंकि चाइनीज चीजों का बहिष्कार किया जाता है और भारत में जो पारंपरिक चीज है उस पर खासा उत्साह लोगों को देखने को मिलता है, उससे जुड़े हुए रहना चाहते हैं, इसलिए मिट्टी के दिए का दीपक जलाने की बातें कर रहे हैं। शिखा बिल्कुल अंकिता, और चाहेंगे कि वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। चूंकि सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया है तो किस तरीके से वो अपने घर में दिवाली मना रहे हैं इस बार? और लोग पटाखे ले रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे? पटाखे तो खुशी के माहौल है, खुशी में जला ही जाते हैं, तो सब कोई किन रहा है तो हम भी खरीद रहे हैं। क्या पटाखे की खरीदारी होगी? मेरे ख्याल से पटाखा का खरीदारी नहीं होना चाहिए ज्यादा, फुलझड़ी वगैरह सही है, पटाखा मेरे ख्याल से सही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के लिए पटाखा बेहद अहम मायने रखता है, क्या पटाखा खरीदना है? इतना तो है। किस तरीके का पटाखा खरीदेंगे? गिडली पटाखा। हाथ जलने का डर नहीं लगता? तो देखिए उल्लास है, बच्चे पटाखा फोड़ेंगे खरीदेंगे ही। देखिए कितने सारे बच्चे हमारे आसपास भी मौजूद है जो पटाखे की दुकान पर ही है सिखा, तो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, भले जिला प्रशासन की तरफ से कई सारे गाइडलाइंस आए हो लेकिन प्रदूषण रहित पटाखे भी बाजार में उपलब्ध है। ऐसे में जो रोशनी युक्त पटाखे हैं
वो लेना पसंद कर रहे हैं और बच्चों के साथ उनके माता पिता भी मौजूद है। सिखा अब बिल्कुल अंकिता, चाहेंगे कि आप वहाँ जो मौजूद दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, किस तरीके का माहौल इस बार जो बाजार का हाल है वो कैसा है, चूंकि बाहर से पटाखे लाने पर भी इस बार सरकार ने बैन लगाया है, तो किस तरीके से वो पटाखे ला रहे हैं और जो पटाखे यहाँ तक पहुंचे हैं उनका उनकी बिक्री किस तरीके से हो रही है, या जो लोग पटाखे नहीं खरीद रहे हैं वो अपने घरों में कैसे दीपावली मना रहे हैं। ये दुकान है, लोगों में उल्लास कम नहीं है, लोग खरीदारी कर ही रहे हैं। हम यहाँ के जो युवक हैं, नौजवान हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पटाखों पर बैन है, अच्छा खरीदारी कर रहे हैं। इस बार पटाखा सिर्फ दिवाली में फोड़ते हैं, तो पॉल्यूशन सिर्फ दिवाली में थोड़ी होता है, अभी पूरे साल भर होता है ऐसे। पटाखे पे बैन से क्या ही होगा, पटाखे पे बैन से क्या ही होता है। महिला है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। पटाखे की खरीदारी हो रही है, कैसा दिवाली मनाने जा रहा? बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है हमारा, और अच्छा लग रहा है कि इस साल में एक बार आता है दिवाली, तो हम सब खुशी खुशी मना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और क्या ही बताएं, आपको भी हैप्पी दिवाली, दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली। पटाखे पर बैन के लिए आप लोगों का क्या कहना, क्या दिवाली में पटाखे पर बैन होना चाहिए? जी होना, ज़्यादा लिमिटेड नहीं होना चाहिए, लिमिटेड में होना चाहिए कि ज़्यादा उसका ये ना हो। अमेरिका में इतना जगह पे इतना बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, इतना ये हो रहा है, तब तो कोई नहीं कहता है कि बैन होना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल अंकिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़े।